बताई गई कि वो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, वो आदिवासी समाज के लोग थे और आदिवासी समाज भी जल, जंगल, जमीन और जानवरों से प्यार करते हैं। वो कहीं से कोई तस्करी का मामला नहीं था। कांग्रेस का राज है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी हसदेव जंगल का मामला बहुत ही चरम सीमा पर है। लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, तमाम ट्राइबल लोग। और इधर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी जितेंद्र मेघवाल हो गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, शादी के जो कपल थे उन्हें भी नहीं घुसने। तो इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं कि एक हम संघर्ष कर रहे हैं, एक भी दलित, आदिवासी और पिछड़े गरीबों के साथ में अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। सर, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद काफी निराशा समाज के अंदर आई है, तो ऐसे में समाज को क्या संदेश देंगे? सब बाबा साहब के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं, माननीय श्री कांतिराम साहब के सिपाही हैं, तो हम संघर्ष करते रहेंगे। और संघर्ष कहीं जगहों पर ऐसी आरोप लगाते हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी ने कैडरबेस्ड लोगों को सामने नहीं किया है या फिर कैडर बंद कर दिया। सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम उन्हें 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 सरकारी नौकरी देने का काम करें और दोषियों को कम से कम फांसी से जाओ नीचे।